क्या आप लोग लोन लेना चाहते हैं नवी एप्लीकेशन से? आप लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा आप लोगों को। कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को देख लो, आप लोग नवी एप्लीकेशन से 50,000 तक का आराम से लोन ले सकते हैं। यदि आप लोग का सिविल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पे लाखों में आप लोग को लोन मिल जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं, मुझे 45,000 का लोन ऑफर किया गया है नवी एप्लीकेशन के थ्रू। सबसे पहले आप लोग नवी एप्लीकेशन में जाकर अकाउंट बना लो, लिंक आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाकर एप्लीकेशन में जाकर अकाउंट बना लेना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, तो चलो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से OTP डाल के रजिस्टर कर लेना, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग नवी एप्लीकेशन में लोन के साथ आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। यदि आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख लेना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का नवी एप्लीकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ से ऊपर में आप लोग देख सकते हैं, कैश लोन हो गया, होम लोन हो गया, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई मिल जाता है, जिसका थ्रू आप लोग नवी एप्लीकेशन में इन्वेस्टिंग प्लस लोन सब चीज कर सकते हैं। और यहाँ से अभी सेंसिटिव पार्ट होगा वीडियो का स्टार्ट, तो आप लोग को पहले ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, थोड़ा भी आप लोग स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे अभी आप लोग के सामने स्क्रीन में देख रहे हो कि आप लोग को 20 लाख तक का लोन मिल सकता है नवी एप्लीकेशन में, ये सही होता है। लेकिन यदि आप लोग का क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तभी जाके आप लोग को इतना अच्छा खासा अमाउंट लोन में मिलेगा। सिंपली आप लोग को लोन लेने के लिए यहाँ से कैश लोन का जो ऑप्शन शो कर रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है, यहाँ से देखना आप लोग का डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से कुछ डिटेल्स डालना पड़ेगा, बेसिक डिटेल्स हो गया, वर्क डिटेल्स हो गया, उसके बाद लोन ऑफर के लिए आप लोग को बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उस पैन कार्ड के थ्रू हो जाता है KYC वेरिफिकेशन, तब जाके आप लोग को मिलेगा लोन डिसबर्सल, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट आप लोग को मिल सकता है नवी एप्लीकेशन से एज ए लोन। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो परमिशंस मांग रहा है उससे हमें अलाउ करना है, फिर गेट स्टार्टेड में हमें क्लिक करना पड़ेगा लोन लेने के लिए, ठीक है। जैसे हम गेट स्टार्टेड में क्लिक करते हैं यहाँ से बेसिक डिटेल खुल के आ जाता है। यहाँ से सबसे पहले आप लोग अपना फुल नेम डालना पड़ेगा, नाम वही डालना आप लोग का जो भी पैन कार्ड में है, ठीक है, वही फुल नेम यहाँ पर डाल देना, और नीचे में है डेट ऑफ बर्थ, पूरा आप लोग पैन कार्ड को एक बार सही से चेक कर लेना, वही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना। उसके बाद नीचे में जो नेक्स्ट का बटन है उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स आप लोग सही से फिल कर लेना, तब जाके आप लोग वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ही यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना, मिस्टेक मत करना, ठीक है आप लोग। फिर यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वर्क डिटेल्स। अभी आप लोग काम क्या करते हैं, वर्क डिटेल्स मतलब आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल्स ऑटोमेटिक चला आया, नंबर आपको डालने की जरूरत नहीं, जैसे आप लोग नाम और एज डालेंगे तो नंबर आ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप यदि आप लोग सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर अदर्स कुछ और काम करते हैं, तो यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप में, जैसे कि मैं अदर्स में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मंथली इनकम आपको डालना पड़ेगा, आप लोग महीने में कितना कमाते हैं, जैसे आप लोग 20,000, 10,000, 15,000, 30,000 जो भी आप लोग का यहाँ पे डाल सकते हो। चलो यहाँ से 20,000 डाल के यहाँ से नेक्स्ट का जो बटन है नीचे में हमें इसमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स हो गया, वर्क डिटेल्स हो गया, उसके बाद हमें यहाँ से बैंक डिटेल्स डालना है, जैसे कि हमें पहले दिखाया गया था कि लोन लेने के लिए। और यहाँ पे फेचिंग डाटा ऑफर फॉर यू, ठीक है, गेटिंग बेस्ट इंटरेस्ट रेट, और कौन सा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, ये सारा चीज़ अभी यहाँ पे डिटेल्स लोड ले रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग को बैंक डिटेल्स डालना पड़ेगा, तब जाके हमें लोन मिल सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ से देखो, उसके बाद आप लोग के सामने आ गया बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, डिटेल्स रिक्वायर्ड, आप लोग को नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ से क्या करना है, बैंक का नाम को सर्च करना पड़ेगा, जो भी आप लोग का बैंक है, जैसे फेडरल बैंक मेरा है, और यदि आप लोग का स्टेट बैंक है, जो भी बैंक है आप लोग यहाँ पे जाके सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हो, और वही बैंक यहाँ पे डाल देना, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप लोग मोबाइल नंबर अभी डाले थे रजिस्टर करने के लिए, और बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है, वही सेम नंबर। चलो यहाँ से मैं डाल देता हूँ अपना फेडरल बैंक। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग के सामने OTP आएगा, वही मोबाइल नंबर पे फेडरल बैंक जिसमें आप लोग का मोबाइल नंबर लिंक है, तो वही मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो डाल देना, ठीक है। और फिर कुछ ही मिनटों के बाद हमें पता चलेगा कि नवी एप्लीकेशन हमें कितना अमाउंट का लोन देने वाला है। यहाँ से आप लोग जैसे कि देख सकते, 40,000 का लोन अमाउंट मुझे मिला है, ठीक है, मैं 40,000 तक का लोन ले सकता हूँ, उससे कम भी चाहूँ तो ले सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आप लोग देख सकते हो चूज़ EMI प्लान, यदि 18 महीने का आप लोग चूज़ करेंगे तो यहाँ पे 2700 रुपये पड़ेगा, वैसे यदि आप लोग 12 महीना का चूज़ करेंगे EMI प्लान तो 3,800 ऐसे करके पड़ेगा। वैसे मैं 9 महीने का सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मेरा पड़ेगा 4,900, ठीक है। यदि मैं 40,000 लेता हूँ लोन, तब जाके ऐसा EMI बन के आता है। उसके बाद जैसे आप लोग नेक्स्ट में क्लिक करोगे, यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 0 है, अभी तो फिलहाल ऑफर चल रहा है। यदि आप लोग को भी अभी लोन लेना है, जल्दी से जाके नवी एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और यहाँ से मैंने 9 मंथ इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे आसानी होगा EMI पे करने के लिए। वही हिसाब से आप लोग जितना ज़्यादा अमाउंट लोगे तो वही हिसाब से आप लोग अपना EMI का ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हो। यदि आप लोग चाहो तो 12 महीने के भी ले सकते हो, इसमें आप लोग को लेस अमाउंट देना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो 3,800, तो मैंने 9 मंथ्स ले किया क्योंकि ये एक रीजनेबल प्राइस है, मेरा सैलरी से मैं यहाँ से दे सकता हूँ वही हिसाब से, ठीक है। फिर कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ से जो आप लोग प्रोसेसिंग फी तो नहीं लगने वाला, ऊपर से
आप लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप लोग 40,000 लेना चाहते हो। बैंक अकाउंट का डिटेल्स में बैंक का नाम देना, नीचे अकाउंट नंबर देना, उसके बाद IFSC कोड देकर नेक्स्ट में क्लिक कर देना, तब जाके आप लोग का जो 40,000 है वही अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और EMI जो कटेगा वो भी आप लोग का वही अकाउंट से कटेगा जिस अकाउंट में आप लोग पैसा मंगा रहे, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से फिल करना बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्योंकि यहाँ गलती करोगे तो फिर जाके आप लोग का बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, अभी थोड़ा देर के लिए वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे सक्सेस होगा कि नहीं, सक्सेस हो चुका अभी आप लोग के सामने यहाँ पे देख लिया। अभी फ्रेंड्स यहाँ से क्या करना है कि अभी वही अकाउंट से हमारा EMI कटेगा, तो आप लोग को यहाँ पे सेटअप ऑटो पे EMI, ठीक है, ये करना पड़ेगा आप लोग को, ऑटो पे EMI सेटअप करना पड़ेगा, मंथली इजीली पैसा कट जाएगा। वो कैसे कर सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग डेबिट कार्ड का डिटेल्स दे सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग का डिटेल्स, तो मैं यहाँ से डेबिट कार्ड का ही डिटेल्स देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लोग चाहो तो नेट बैंकिंग का दे सकते हो डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग को परमिशंस को अलाउ करके कंटिन्यू में क्लिक कर देना, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हो ऑटो पे सेटअप डन, तो हमारा ऑटो पे सेटअप डन हो चुका, मतलब हमारा पास अभी क्या होगा कि जब भी कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, आप लोग वही डेट में आप लोग का पैसा यहाँ पे कटेगा मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, जैसे EMI कुछ भी आप लोग गाड़ी का कराते हैं वैसे ही वगैरह आप लोग का अकाउंट से पैसा कटेगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा वेरीफाई करने के लिए आपको अपना सेल्फी एक डाल देना है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से गेट लोन में आपको क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है, अपना EMAIL ID डाल देना पहले, उसके बाद गेट लोन में क्लिक कर देना, यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाता है कि कितना अमाउंट आप ले रहे हैं और कितना अमाउंट आपको कब से देना पड़ेगा, EMI का इंस्टॉलमेंट डेट उट सब निकल के आ जाता है, ठीक है। यहाँ से सक्सेसफुल अभी हो जाएगा कुछ सेकंड में, फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग ने देख लिया मुझे सक्सेसफुली पैसा मिल चुका है, मतलब अभी ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, अलॉटमेंट हो चुका अभी मेरा पास नवी एप्लीकेशन से। लोन कैसे लेना आज की इस वीडियो में आप लोग को पता चल गया।